हेलो गाइस, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम देखने वाले कि हम आज वीट ऐप में, मतलब जो हमने वीट यूज़ करके रिएक्ट ऐप बनाया गया जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, तो गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करो, आपको वीडियो दिखेगा, नहीं तो मैंने आई बटन में लगा दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ पर विजिट करो। ओके, बहुत इजीली हम वीट रिएक्ट ऐप बना सकते हैं गाइस। ओके, देन नेक्स्ट हमको क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पर दिखाती हूँ मैं गाइस आपको। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये मेरा फाइल है जहाँ पर मैंने वीट इंस्टॉल करके रिएक्ट ऐप बनाया है। तो अब हम क्या करने वाले, अब इसमें हम टेलविन ऐड करने वाले गाइस। तो टेलविन क्या है, तो टेलविन इज़ नथिंग बट लाइक CSS, जैसे हम HTML में CSS यूज़ करते हैं सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहता है और बहुत इजी होता है जब हम टेलविन यूज़ करते हैं गाइस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आगे देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा गाइस कि टेलविन क्या है, और बहुत ईजीली गाइस आपको समझ में आ जाएगा, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है यहाँ पे गूगल में। तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा पार्ट निकालती हूँ। सो हमको जाना है कहाँ पे, app.jsx में। देन मैं इस पार्ट को रिमूव करती हूँ, हमको नहीं चाहिए अभी के लिए, और पी टैग पर रिमूव करती हूँ, काउंटर बस रहने दो। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल। ओके, तो समझो आपको टेलविन इंस्टॉल करना है हमारे वीट ऐप में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑफिशियल वेबसाइट है टेलविन की, तो वहाँ पे हम बच जाएंगे। ये देखिए telvincss.com, ये क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है टेलविन की। तो यहीं पे बेस्ट है कि हम यहीं पे विजिट करें इंस्टेड ऑफ सर्चिंग हियर एंड देयर गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे, राइट। तो समझो आपने गूगल में सर्च किया और कहाँ पे भी ढूंढा तो आधे आधे स्टेप्स रहते, तो वर्क नहीं होता प्रॉपर। तो टेलविन देखो, आप कौन से भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो जो उनका ओरिजिनल वेबसाइट रहता है ना, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर mens.com, telvin.com, जो उनका ऑफिशियल रहता है ना, वहीं पे विजिट करके हमको कुछ भी इंस्टॉल करना है। तो हम विजिट करें telvin.css में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या सिलेक्ट करना है, फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। तो हम मतलब फ्रेमवर्क गाइड कौन सा हम यूज़ करें, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जेएस है, लारावेल है, वीट है, तो हम वीट यूज़ करें, इसलिए वीट करें। समझो अपने CRA यूज़ किया क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो आप यहाँ पे फॉलो करना है। तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, वीट फॉलो करके हम टेलविन इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस एक बार। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमने ऑलरेडी वीट प्रोजेक्ट करके बनाया है, तो और एक बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन सीडी माय प्रोजेक्ट, मतलब हम प्रोजेक्ट में ही है अभी। यहाँ पे देखो रन किया, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में ही है, जो हमारा क्रिएट वीट प्रोजेक्ट है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वीट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, तो ये दो स्टेप्स हमने ऑलरेडी किए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है ऑटो प्रीफिक्सर, तो हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको हमको लेना है यहाँ पे, ये सब कुछ स्टेप्स हम किसके लिए कर रहे हैं, टेलविन के लिए कर रहे हैं गाइस। ओके, तो इसको मैं क्या करती हूँ, क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, ओके यस, टर्मिनेट करना है। और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पोर्ट चेंज किया, समझो आपको भी पोर्ट चेंज करना है। आपको क्या करना है, विथ कॉन्फिगर जेस में जाना है, यहाँ पे इतना ही लाइन हमको ऐड करना है, सर्वर पोर्ट 3000, तो हमारा पोर्ट चेंज हो जाएगा। जो हम रिएक्ट में पोर्ट यूज़ करने हैं, तो सेम पोर्ट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो मैंने की कॉपी हो गया, तो फिर से हम वहाँ पे जाके उसको कॉपी करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे डालती हूँ। तो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, मतलब टेलविन की जो कुछ रहेगा वो। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम पेशेंस से क्या करते, वेट करेंगे। हमारा इंस्टॉलेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप तो हुआ। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या फॉलो करना है, नेक्स्ट फॉलो करना है npx टेलविन init.php, तो इसको भी हमको इंस्टॉल करना है। तो कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो एंड प्रेस करो। गाइज और एक बात कि टेलविन हम क्यों यूज़ करते थे, बिकॉज हम जब css यूज़ करते तो हम क्या करते, एक फाइल बनाते दैट style.css, देन वहाँ पे हम क्लासेस बनाते, कलर के लिए भी हमको क्लास बनाना पड़ेगा, देन फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट्स। देखो आपको पता है कि css में हम कैसे यूज़ करते हैं क्लासेस एंड ऑल, तो वहाँ पे क्लासेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्टली हम इनलाइन स्टाइलिंग में हम पूरा ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कोडिंग फास्ट होता है एंड ईजिली समझ में आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आजकल टेलविन ही ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हमको इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है वैसे हमको भी ग्रो होना पड़ेगा, नहीं तो हम वहीं पर रह जाएंगे। सो सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप भी,
देन हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस हमको एक फाइल मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फाइल मिल गई हमको। ओके तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट, तो इसको हमको कॉपी करना है, वहाँ पे ऐड करना है। और ये क्या है, टू ना फाइल, हम जो टेलविन सीएस बनाते हैं इस सारे फाइल को सपोर्ट करेगी, जो यहाँ पे फाइल्स है ना सबको सपोर्ट करेगी। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को देन सोर्स जे एस कॉमा टी एस जे एस एक्स टी एस एक्स कुछ भी रहने दो, इसको सपोर्ट करना है। इसलिए हमको ये सारे लिए समझो, आपको सिर्फ जे एस पर चाहिए तो इसको सारा आप रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ जे एस इसको उतना वो सपोर्ट करेगा। ओके तो अभी के लिए मैं सारा रखती हूँ यहाँ पे, तो एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट देखो इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमको ये तीन जो कमांड्स है ना इसको हमको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखोगे इस कहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रंट साइड को मतलब फर्स्ट ही ऐड करेंगे हम इसको। आप कहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट ऐड करना बहुत यूजफुल रहेगा। और यहाँ पे देखोगे क्लास में सी एस एस आपको निकालना है तो निकालो, रखना है तो रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके हो गया। देन नेक्स्ट हमको क्या करना है, रन करना है। तो हमको ये कमांड तो पता है हम कैसे रन कर सकते हैं, तो कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, उसको रन करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या देखते हैं। तो कहाँ पे हमारा बीट, तो यहाँ पे देखोगे अभी ऐसा है, तो रन हो रहा है। ओके इट्स लोडिंग। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क पड़ा, ये साइड बाय साइड था, ऊपर नीचे हुआ है। ओके दिस इज़ फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सी एस एस वहाँ पर अप्लाई हो रहा है इसलिए हमको वैसे दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको पूरा निकालते हैं ऐप डॉट जे एस एस में जाके, क्या करेंगे इसको निकाल के छोड़ते हैं और दूसरा हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके हो गया। देन अब हम जाएंगे टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे एंड यहीं पे हमको मिलेगा इसकी, देखो यहाँ पे उन्होंने थोड़े थोड़े हमको कोड मिलते हैं तो यहीं हम यूज़ करेंगे। और टेलविन में हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक देखो हम कैसे क्लासेस यूज़ करते हैं, फ्लैक्स पी टी फोर एक्स एंडर रोटेट 90, वैसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली इनलाइन स्टाइलिंग में। ओके तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा लेते हैं कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, कौन सा भी पिक करोगे इसमें भी, मैं भी कौन सा तो एक पिक करती हूँ, तो यहीं पे मैं ये पिक करके छोड़ती हूँ यहीं। ओके इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। ओके तो यहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है, वो भी सॉल्व करेंगे हम। ओके तो यहाँ पे एरर मिल रहा है, क्यों एरर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इमेज के लिए हमको एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे रहता है रिएक्ट में कि इमेज के लिए हमको क्लोजिंग टैग देना पड़ता है, कैसे यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है इमेज, एच टी एम एल में हम नहीं यूज़ करके लेते हैं, हमको रिएक्ट में यूज़ करना पड़ता है इसलिए हमको एरर मिल रहा था। तो समझो अब हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो कैसे हमारा जो जो कुछ हमने कोड उठाया था वो दिख रहा है, यहाँ पे इमेज नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अभी तो इमेज नहीं है, तो ऑनलाइन इमेज लेते हैं, कौन सा ले लो लैपटॉप, ओके लैपटॉप लेते हैं। तो इसका मैं ना इमेजेस ओपन हो जाओ, लिंक मिलना तो अच्छा होता है, कॉपी लिंक एड्रेस। ओके और इसको कट करेंगे नहीं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, बहुत बड़ा हो गया फिर भी चलेगा, देखते क्या आता है, क्या आया है। ओके तो लिंक नहीं वर्क हो रहा है प्रॉपरली, तो दूसरा ट्राई करेंगे। तो वैसे आप डाउनलोड करके इस फोल्डर में रख के भी आप कर सकते हैं। आई विल डू फ्लावर इमेजेस लेते हैं, एनीवन आई विल पिक फॉर राइट नाउ, ये तो वर्क होना चाहिए, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क ऑर नॉट, वर्क हुआ तो नहीं तो हमको निकालते गए अभी के लिए। ओके तो गए इमेजेस का लिंक मुझे मतलब प्रॉपर लिंक इमेज लिंक नहीं मिल रहा है, समझो अपने यहाँ पे प्रॉपर इमेज लिंक डाला तो गए यहाँ पे आपको इमेज भी दिखेगी। तो अभी के लिए मैंने इसको इमेज को निकाला है, मतलब अभी हमारे पास इमेज ही नहीं है,
तो इसको हम कमेंट ही करके छोड़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे देती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर्स पीजी ग्रीन। तो यहाँ पे देखो सजेशन भी ये प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, तो सजेशन के लिए हमको एक यहाँ पे देखो गाइस क्या हुआ कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। और गाइस समझो आपको सजेशन, ये जो मेरे सजेशन दिख रहे थे ना अभी, यहाँ पे देखो जो सजेशन दिख रहे थे पीजी ग्रीन, तो अभी नहीं दिख रहा है। तो अब जब आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल स्पेस करना है। तो यहाँ पर देखो गाइस दिख रहा है फिर से ग्रीन, तो डार्क ग्रीन लेते हैं। ओके, तो इस सजेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एक्सटेंशंस में और यहाँ पे आपको करना है टेलविन CSS इंटेलिजेंस, इसको आपको इंस्टॉल करना है, टेलविन CSS इंटेलिजेंस। जब हम इंस्टॉल करेंगे तब यहाँ पे देखो ये सजेशन दिख रहे हैं ना हमको, तो ऐसे सजेशन दिखेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे वो सजेशन दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो ग्रीन वाले, समझो हमको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं टेक्स्ट सेंटर कुछ भी करना है तो सेंटर वो सब कुछ कर सकते हैं गाइस आप। कंट्रोल स्पेस, टेक्स्ट वाइट, तो यहाँ पे देखो गाइस टेक्स्ट हमारा वाइट हो गया, राइट। तो ये बहुत इजी है गाइस। और यहाँ पे समझो आपने हावर किया ना, तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे भी हमका जो टेक्स्ट वाइट है वो क्या है, क्लासी है, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे इसने क्लास लिया और डायरेक्टली इसने हमको दिया। यहाँ पे भी देखो गाइस बीजी ग्रीन, ये भी क्लास है ना जो हम CSS में लिखते, तो यहाँ पे सेम ये दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे सभी तरफ हमको क्लास दिखेंगे, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, टेलविन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे देखोगे मेरी एक क्वेरी भी है, तो यहाँ पे ना ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाता है। देखो गाइस मैं रिस्पॉन्सिव करके देखो गाइस रिस्पॉन्सिव हो रहा है, राइट, क्योंकि मीडिया क्वेरी भी यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ऐसे आप अपना टेलविन CSS यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। तो गाइस हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट ही नहीं तो एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जहाँ पे हम टेलविन यूज़ करेंगे एंड रिएक्ट भी यूज़ करेंगे। तो दोनों भी यूज़ करके हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे गाइज। होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम टेलविन CSS को यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एक्ट में और वीट रिएक्ट एक्ट में। और समझो आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज है, तो गाइज प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। एंड मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगे तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग गाइज।